Okay, students, now we are going to discuss our next topic, which is 8.9. The topic name as your textbook is stationary waves in a stress string. Stationary waves in a stressed string. Student, aapki first year ki book ke andar chapter number 8 ka topic number 8.9 hai, stationary waves in a stress string. हमने लास्ट टॉपिक जो किया अपना स्टेशनरी वेव्स वाला, उसके एंड पे मैंने बताया था कि हम स्टेशनरी वेव्स को जो है कैसे डेवलप कर सकते हैं. मैंने बताया था कि स्टेशनरी वेव्स को हम स्ट्रिंग के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं. सो हियर वी हैव अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल. हमारे पास स्ट्रिंग उसकी लेंथ एल है. किया उसे क्या है कि उसे सेंटर से पकड़ के उसे प्लंग किया है विद टेंशन टी. ऐसे स्ट्रिंग को पकड़ा और प्लंग करके छोड़ दिया. तो ये इन दो जो क्लैंप्स हैं, क्लैंप्स लगे हुए हैं, इन दोनों क्लैंप्स का इसे टाई किया हुआ है साइडों से. जब इसे पकड़ के ऐसे छोड़ रहा है तो इसने ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देना. सो इस वाइब्रेशन के दौरान हम दो तरह की वेव्स देखेंगे. एक वेव जो है लेफ्ट का मूव कर रही होगी, दूसरी एक राइट का मूव कर रही होगी. जब ये दोनों वेव जो है जहां पर इन्हें टाई किया गया, जहां इन्हें बांधा गया, वहां जाके ये टकराएंगी तो वहां से ये वापस मुड़ेगी. ट्रांसवर्सल वेव्स हैं, वहां पर रिवर्स डायरेक्शन में वापस आएंगी. तो इस तरह जो ये है स्टेशनरी वेव बनेगी. हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो वेव बन रही है जिसकी लेंथ एल स्ट्रिंग है उसके अंदर यहाँ पे हाफ वेव जो है वो फॉर्मड हो रही है. जबकि इसे हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू. जबकि इस वेव के अंदर दो हमारे पास जो है हाफ वेव के अंदर दो नोड्स बन रहे हैं और एक क्या बन रहा है एंटी नोड बन रहा है. अब अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास ये जो लैम्डा है इसको हम लैम्डा वन कर लेंगे फॉर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए. हमारे पास जो है जबकि जो लैम्डा है हमारे पास हाफ वेव लेंथ बन रही है. यहां से हमने लैम्डा वन अगर निकालना हो तो लैम्डा वन इक्वल आ जाएगा टू डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा टू एल आ जाएगा. तो इस तरह हम जो है वेव लेंथ निकाल सकते हैं इसमें कि वेव लेंथ हमारे पास टू जो है यहाँ पे इस जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसका क्या होगी टू टाइम यानी कि यहां बनेगी वेव लेंथ जो है टोटली स्टेशन वेव की जबकि वो हाफ ऑफ द वेव लेंथ है. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जब ये स्टेशनरी वेव जो है इनमें हम किसी की तरह की मोशन नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टेशनरी वेव जो है वो आगे मूव कर रही है जबकि इनकी कोई ना कोई स्पीड होगी. वो स्पीड जो है हमारे पास वो डिपेंड करती है लगाई जाने वाली टेंशन फोर्स की फॉर्म में जो हमने टेंशन लगाई जब इसे हमने प्लंग किया और दूसरा इसके मैस के ऊपर मैस पर यूनिट लेंथ के ऊपर. सो हम लिख सकते हैं हमारे पास जो स्पीड है इस वेव की वो आएगी वी इक्वल अंडर रूट एफ ओवर एम. इस इक्वेशन को नाम दे लें आप ए का, इसको बी का, इसको सी का नाम दे लें. जबकि आपकी बुक के अंदर जो है इनको नाम दिए गए हैं 8.14 एंड 8.15 रिस्पेक्टिवली. अब हम बात करते हैं कि जब ये स्टेशनरी वेव फॉर्म्ड होती है इनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है. तो फ्रीक्वेंसी स्पीड फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला स्टूडेंट हमें पता है वी इक्वल्स एफ लैम्डा. वी इक्वल्स एफ लैम्डा. तो यहां पे हमने जो है एफ को जो है रिप्लेस करना है एफ वन से फॉर फर्स्ट मोड. लैम्डा को हमने रिप्लेस करना है किसके साथ लैम्डा वन के साथ फॉर फर्स्ट मोड फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. हमारे पास जो है यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी है लैम्डा मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो वी ओवर लैम्डा वन आ जाएगा. इनकी अगर मैग्नीट्यूड जो है इनकी वैल्यूज जो है सब्सटीट्यूट करते हैं मैग्नीट्यूड क्या है इनकी जो वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं अगर हम तो वी हमारे पास आई थी एफ ओवर एम. एफ हमारे पास थोड़ी यहां पे फोर्स इन फॉर्म ऑफ टेंशन जैसे हम टेंशन दे के उसको हमने प्लंग किया था जबकि लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 2L. इसको थोड़ा प्री साइज करके लिख लेते हैं तो F1 इक्वल आ जाएगा 1 बाय 2 L इनटू F ओवर M. इसको आप नाम दे लें क्वेश्चन नंबर डी का. ओके तो ये हमारे पास थी फ्रीक्वेंसी फॉर द फर्स्ट मोड ऑफ लेंथ एल स्ट्रिंग जिसको हमने सेंटर से प्लंग किया था और इसके ऊपर हाफ जो है वेव जो थी स्टेशनरी वेव जो है फॉर्म हुई. अब हम बात करते हैं दोबारा फिर सेकंड मोड के लिए कि अब दोबारा हमने उसी स्ट्रिंग को जो है जिसकी लेंथ एल है उसे हमने टाई करना है यहां पे ऐसे और जिसे दोबारा फिर हम इसे प्लंग करेंगे. अब हमने क्वार्टर ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर इसे जो है क्वार्टर ऑफ द स्ट्रिंग जो है हमने इसको प्लंग करना है
ऐसे करके ऐसे करके, जब इसे हम प्लंग करते हैं तब हमारे पास जो है जो वेव्स बनती हैं वो कुछ इस तरह बन जाती है। अब हम देख सकते हैं जब इसे हमने क्वार्टर ऑफ स्विंग से हमने क्या किया, इसे प्लंग किया, तो हमारे पास यहां पे नोड बनेगा, यहां पर एंटी नोड बनेंगे, ये एंटी नोड होंगे हमारे पास, और यहां भी नोड, जबकि इसकी लेंथ जो है वो इसी तरह एल है। ओके स्टूडेंट, जब इसे वन क्वार्टर ऑफ स्ट्रिंग जो है इसे जब हम प्लंग करते हैं टेंशन एफ के साथ, हम देखते हैं यहां पे हमारे पास एक कंप्लीट जो है वेव बनती है, जबकि हम अगर लिखें एल हमारे पास जो है वो अब आएगा लैम्डा के इक्वल, या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह टू सेकंड मोड को, जबकि हमारे पास यहां पे एक लैम्डा बाय टू यहां पे बन रही है और एक लैम्डा बाय टू यहां पे बन रही है, लैम्डा बाय टू प्लस लैम्डा बाय टू, टू टाइम लैम्डा बाय टू हो जाएगी, जो कि इक्वल है इसकी लेंथ के ऊपर। इसको हम नाम देंगे लैम्डा टू का, अगर इसको क्योंकि सेकंड मोड के लिए इससे सेकंड वेवलेंथ बनेगी, तो ये हमारे पास इक्वल आती है एक्चुअली लैम्डा टू के, इसे हम लैम्डा टू का नाम दे लेंगे क्योंकि सेकंड मोड के लिए थी, ये फर्स्ट मोड के लिए थी हमारे पास। यहां पे अगर हम वन भी लिखना चाहे तो वन लिख सकते हैं, लेकिन वन अंडरस्टूड है, ये हमारे पास सेकंड मोड के लिए है। सेकंड मोड के अंदर हम देख सकते हैं यहां पे हमारे पास तीन एंटी नोड्स हैं, जबकि दो नोड्स हैं, जबकि दो नोड्स के दरमियान दो एंटी नोड हैं और दो एंटी नोड्स के दरमियान एक, यानी कि दो नोड्स के दरमियान एक एंटी नोड है, इसी तरह दो एंटी नोड्स के दरमियान एक नोड आ रहा है। तो यहां पे हमारे पास जो जो वेवलेंथ आ रही है एक्चुअली वो आ रही है लैम्डा टू इक्वल एल के लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के। हम देख सकते हैं कि ये वेवलेंथ, यानी इक्वेशन नंबर, अगर मैं कंपेयर कर लूं, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर बी एंड ई, अगर मैं बी और ई को कंपेयर करता हूं, सो वी कैन सी दैट कि हमारे पास जो लैम्डा वन है वह टू एल है, जबकि लैम्डा टू जो है वो एल आ रही है, यानी कि हमारे पास जो वेवलेंथ ऑफ द सेकेंड मोड जो है वो हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मोड आ रही है, यानी फर्स्ट में वेवलेंथ ज्यादा थी, सेकेंड में वेवलेंथ क्या होगी आगे कम होगी। अब हम बात करते हैं इसी तरह इसकी स्पीड की, फ्रीक्वेंसी की, तो स्पीड हमारे पास स्टूडेंट वही रहेगी क्योंकि स्पीड हमारे पास डिपेंड करती है टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे, यानी कि मास ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करती है, जो स्पीड है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड सेम ही रहेगी, जबकि जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास हम लिख सकते हैं इसकी उसी तरह एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा टू, जिस तरह हमने इस इक्वेशन के अंदर निकाली थी फ्रीक्वेंसी, ये निकली थी, इसी तरह इसके अंदर आएगी। अब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पे एफ टू हो जाएगी, तो एफ टू हमारे पास आएगी एफ ओवर एम ओवर एल, क्योंकि सेकंड वेवलेंथ हमारे पास एल आई है, तो इस तरह एफ इक्वल आ जाएगा वन ओवर एल इंटू। स्टूडेंट हम देख सकते हैं यहां पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है एफ वन एफ टू, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है ये वाले, या इस इक्वेशन के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एफ टू है वो हमारे पास वी बाय क्या है लैम्डा टू, जबकि यहां पे हमारे पास जो एफ वन आई थी वो वी ओवर लैम्डा थी। अगर हमने इसकी वैल्यू पुट की तो टू एल आ रही है, यहां पर क्या आ रही है वैल्यू एल आ रही है, यानी कि अगर यहां पर मैं टू से मल्टीप्लाई इधर भी कर दू और टू से, यानी कि ये हमारे पास इसको अगर हम कंपेयर करना चाहें तो अब अपनी एफ वन के साथ हमारे पास वी एफ वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, जबकि एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा टू आ जाता है, और यहां पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो यहीं पे अगर हम वैल्यू पुट करें हम यहीं पे कंपैरिजन कर सकते हैं वी ओवर एल आ जाएगी, जबकि अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें यहां पर F1 को देखें तो F1 हमारे पास आई थी V ओवर लैम्डा 1, जबकि यहां पे अगर हम F1 की वैल्यू पुट करें वो आ जाएगी V ओवर 2 लैम्डा, यानी कि हमारे पास 2 डिवाइड हो रहा है, जरा क्या हो जाना है
मल्टीप्लाई हो जाएगा तो v ओवर l आ जाएगी। तो ये v ओवर l 2f1, यहां पे हम देख सकते हैं v ओवर l इक्वल f2 के, हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो f2 आई है वो हमारे पास 2 टाइम ऑफ f1 है, यानी कि हमारे पास सेकंड फ्रीक्वेंसी जो है, सेकंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या है, 2 टाइम्स है। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट की, थर्ड मोड के अंदर हम देखते हैं कि कितनी नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो बन सकती हैं, कितनी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डेवलप हो सकती हैं। हमारे पास वही स्ट्रिंग है, हमारे पास स्टूडेंट वही स्ट्रिंग है, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास जो नंबर ऑफ वेव्स बनती हैं वो हम देख रहे हैं। थर्ड मोड के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहां पे नोड, यहां पे नोड, यहां पे नोड और यहां पे नोड, कंसेक्यूटिवली हमें 4 नोड्स मिल रहे हैं, जबकि कंसेक्यूटिवली हमें अल्टरनेटिवली नोड एंटी नोड जो है वो 3 जो है एंटी नोड मिल रहे हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट थर्ड मोड ऑफ एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, थर्ड मोड ऑफ वेवलेंथ हमने इसमें निकालनी है। अब उसी तरह हम देख सकते हैं यहां भी लैम्डा बाय 2, यहां भी लैम्डा बाय 2 और यहां भी लैम्डा बाय 2, यानी कि हमारे पास जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की, जो टोटल लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3 टाइम लैम्डा बाय 2 के। अब इस लैम्डा बाय 2 को, लैम्डा को हमने लिख देना 3 लैम्डा, यहां पे 3 लैम्डा अगर हम निकालना चाहें तो 2L ओवर 3 क्या आएगा, यानी 2/3 ऑफ द लेंथ आएगा हमारे पास 3 लैम्डा। जबकि अगर हम फ्रीक्वेंसी को देखें तो फ्रीक्वेंसी में जब हमारे पास फर्स्ट मोड था, ऐसे करके हमारे पास फर्स्ट मोड स्टूडेंट्स आया था, जब हमने फर्स्ट मोड निकाला था हमारे पास फ्रीक्वेंसी F1 थी, जबकि हमने जब सेकंड मोड निकाला था तो हमारे पास ये F1 आई थी, फिर हमारे पास क्या आई, F2। अब हमारे पास यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी F3, जबकि हमारे पास F2 में जो फ्रीक्वेंसी आई थी वो 2 टाइम ऑफ F1 थी, क्योंकि दो वेव हाफ वेव्स बन रही थी, यहां पे 1 हाफ वेव बन रही थी, यहां पे हमारे पास 3 हाफ वेव्स जो है फॉर्मड हो रही है। तीसरा हमारे पास थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो सेकेंड मोड का क्या हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट मोड का 3 टाइम हो जाएगी, सेकंड मोड का 2 टाइम हो जाएगी, यानी 3F1, यानी कि हमारे पास थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगी, 3 टाइम। तो इस तरह जो है हम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है हम डेवलप कर सकते हैं, नंबर ऑफ इन जो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसीज है इनको हार्मोनिक जो है फ्रीक्वेंसीज का नाम दिया जाता है, या आपके पास जो है स्टेशनरी वेव्स के अंदर जो है ये हमारे पास नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हमें मिलती हैं स्टेशनरी वेव्स के अंदर, ये डिस्क्रीट सेट्स होती हैं, डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। तो हम जर्नलाइज इसको कर सकते हैं कि जर्नली जो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी n फॉर नंबर ऑफ मोड्स, n नंबर ऑफ मोड्स, वो हमारे पास आएगी n इंटू एफ वन, जबकि n हमारे पास यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन। और इसी तरह हमारे पास अगर हम देखें अपनी वेवलेंथ को, तो वेवलेंथ हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है ये सबके अंदर कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर बढ़ते जा रहे हैं, यानी पहले आ रही थी लैम्डा बाय 2 यानी 1 लैम्डा, फिर आई 2 लैम्डा बाय 2, अब आई 3 लैम्डा बाय 2, फिर आएगी 4 लैम्डा बाय 2। तो इस तरह जो है हमें इनका भी सेट ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है हमें मिलती है, हम इसको जनरलाइज फार्मूला में लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये भी n है, तो यहां लिखेंगे हमारे पास लैम्डा n जो है
जनरल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी एन इंटू लैम्डा बाय टू के। जबकि अगर हम इसको और जनरलाइज देखें, हमारे पास लेंथ के लिहाज से जो है, ये एक्चुअली हमारे पास लेंथ है, लेंथ के लिहाज से अगर इसे देखें तो इसको हम हाफ लेंथ भी कह सकते हैं कि हमारे पास हाफ लेंथ है, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये मैंने थोड़ा ओल्ड लिख दिया। हमारे पास लेंथ इक्वल आई थी इस तरह 3 लैम्डा 3 बाय 2, जबकि पहले वाले की जो लेंथ आई थी वो हमारे पास आई थी 2 लैम्डा बाय 2। इसी तरह अगली आई थी हमारे पास, इससे पहले वाली जो लेंथ थी हमारे पास, पहला फर्स्ट मोड था वो थी 1 लैम्डा बाय 2। तो यहां से अगर हमें लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल फर्स्ट मोड के लिए 2L आई थी, फिर लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये आ जाएगा हमारे पास L के। जबकि इसके अंदर जो लैम्डा 3 है, इसके अंदर हमारे पास जो लैम्डा आ जाना है वो लैम्डा 3 आ जाना है 2L/3। यानी कि हमारे पास जो लैम्डा है एक्चुअली वो डिवाइड हो रहा है, 2 तो सबके साथ आने आना है, ठीक है, जबकि नीचे जो है नंबर आते जाने 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इस तरह हमने जो अपना लैम्डा है यानी वेव लेंथ है उसको भी हमने जनरलाइज कर लेना है। लैम्डा एन इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2/n (L)। तो इस तरह जो है हमारे पास सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज के लिए हमारे पास जो लैम्डाज है यानी नंबर ऑफ वेवलेंथ जो है, जो हर सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हर एक स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेटेड होगी, हम यहां से नंबर ऑफ वेवलेंथ निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास फर्स्ट मोड है, फर्स्ट मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए 2 × 1, तो ये आ जाएगी 2L। इसी तरह अगर हमने सेकेंड मोड के लिए निकालनी है 2/2 × L, तो ये हमारे पास आ जाएगी L। इसी तरह अगर हमने थर्ड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ निकालनी है तो ये हमारे पास लैम्डा 3 इक्वल हो जाएगा 2/3 L। इसी तरह 4 के लिए 2/4 × 1/2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरह जो है हम नंबर ऑफ वेवलेंथ्स जो के रिलेटेड करती है हमारे पास सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 के साथ जो है रिलेट करती है, जिसे हम स्टैंडर्डाइज करके दूसरी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है स्टेशनरी वेव्स की वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये सारे के सारे सेट ऑफ सीरीज जो है फ्रीक्वेंसी को हार्मोनिक सीरीज का कहेंगे, यानी कि हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है हार्मोनिक फर्स्ट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी को लेके हम जितनी भी लातदाद नंबर ऑफ वेवलेंथ्स हैं उन सब की, लातदाद नंबर ऑफ वेव्स हैं उन सब की हम सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हम डिवेलप कर सकते हैं। तो इसी तरह जो है फॉर एग्जाम्पल अगर हम टेंशन जो है गिटार की इसकी जो एप्लीकेशन है, गिटार जो हम इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे पास म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, गिटार हो गया, वायलिन वगैरह हो गया, जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर उन्हें हम ट्यून करना चाहते हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं। या तो उनकी टेंशन जो एफ है स्ट्रिंग की जो होती है वो बढ़ा दो, या उसकी जो लेंथ है उसमें वेरिएशन ला के हम जो है वेरिएशन करके जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की साउंड है वो हम डेवलप कर सकते हैं। हार्मोनिक सीरीज ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है हम साउंड चेंज कर सकते हैं। गिटार के ऊपर फिंगर रख के आप देख सकते हैं कि उसका जो पैग होता है, पैग के साथ जो उसका नेक होती है, नेक के ऊपर अगर हम अपनी फिंगर्स को वेरिएट करें, अगर हम उसको फिंगर्स को अपने मूवमेंट को चेंज करें, यानी फिंगर्स को अगर हम मूव करें उस नेक के ऊपर, तो अगर हम साथ में जो इसे प्लंक करते जा रहे हैं गिटार के ऊपर, तो होता क्या है कि उसकी जो पिच है, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है पिच के ऊपर, उसकी जो पिच है वो चेंज होगी। दूसरा उसका एम्पलीट्यूड जो है वो चेंज होगा, जब स्ट्रिंग की लेंथ और स्ट्रिंग की जो विड्थ है उसके लिहाज से अगर हम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है हमारे पास ए टू डी सीरीज में लगी होती है गिटार के अंदर, उसको अगर हम चेंज करते हैं। इसी तरह अगर हम लेंथ चेंज नहीं करना चाहते तो हम क्या करेंगे, पैग के ऊपर जो नट्स होते हैं, जो भी है पैग्स होते हैं, उनको अगर हम टाइट कर दें उन स्ट्रिंग को, अगर स्ट्रिंग को जितना ज्यादा टाइट करोगे उतनी ही शार्प फ्रीक्वेंसी जो है हमें मिलेगी, जितना लूज करेंगे उतनी ही लेस फ्रीक्वेंसी मिलेगी। यानी कि पिच अगर हम हाई करना चाहते हैं तो पैग को टाइट करेंगे, उसकी टेंशन में इजाफा हो जाएगा, जब टेंशन उसकी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ जाएंगी, यानी कि उसकी
पिच बढ़ जाएगी। तो इस तरह जो है हम अपनी फिंगर्स को मूव करके अलोंग द नेक जो है हमारे पास गिटार की, या हम जो है उसकी टेंशन जो है स्ट्रिंग की जो है इंक्रीज डिक्रीज करके हम सेटर फ्रीक्वेंसी जो है, या इन अदर वर्ड्स हम अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून कर सकते हैं अपने डिजायर नोट के साथ।